हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक टू माय चैनल अगेन। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा काम था, मैं कुछ दिन अब वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं फिर आप लोगों के दरमियान हूँ। तो अब ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं पासीघाट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना टाउन और जहाँ तक मैं जानता हूँ अरुणाचल प्रदेश का पहला कैपिटल यानी पहला राजधानी भी पासीघाट ही था। आज पूरी दुनिया जानती है कि ईटानगर है, लेकिन पहले पासीघाट हुआ करता था। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वहाँ के दर्शन कराऊंगा, वहाँ के आपके लोकेशन दिखाऊंगा, कैसे कैसे जगह है, कैसे रोड हैं, कैसे वैलीज हैं, नदी कैसी है, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं भी आज तक नहीं गया। तो मैं जो देखूंगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ अब एक्चुअली मैं पासीघाट से 180 किलोमीटर दूर हूँ, सुबनसरी गेरुकामुख। तो ये पूरी जर्नी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत लंबा, बहुत बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इस रास्ते का हाइलाइट्स दूंगा कि रास्ते कैसे हैं, बीच में कहाँ इनर लाइन पास है, कहाँ से आपको पास बनाना है, क्या करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पासीघाट की जर्नी। तो दोस्तों, हम पहला टाउन पहुंच चुके हैं जिसे बोलते हैं गोगामुख, जो गेरुकामुख से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू। तो आगे चलते हैं, फिर आगे आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी हम रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हैं। तो ये कुलाजान जगह है जहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, माई हांग, आप ये देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ आप आराम से लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं जब भी आएँ, और यहाँ का खाना भी अच्छा है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो फाइनली हमारा नाश्ता हो चुका है। तो थोड़ा सा लेट होता है यहाँ पे, एक्चुअली देने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमने नाश्ता कर लिया, पेट भर चुका है। तो अब हम आगे निकलते हैं। तो मैं जैसे आगे पहुँचता हूँ तो फिर आप लोगों से बातें करेंगे ढेर सारी, और आपको दिखाऊंगा पासीघाट। Thank you.
बहुत ही खूबसूरत ब्रिज और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक्स की है, मैं भी डालूँगा, आप देखते रहिएगा और देखिए, ज़रूर मौका मिले तो ज़रूर आइए। तो दोस्तों, जैसा भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये व्यू पॉइंट है पासीघाट का, बहुत ही सुंदर एरिया। यहाँ पे लोग रुकते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, और आपने रास्ता देखा ही है कितना बढ़िया रास्ता है। तो जब भी मौका मिले तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही बढ़िया। देखिए आप देखिए, ये है व्यू पॉइंट, जरूर हो सके तो एक बार भी। सो फ्रेंड्स, तो आज हम जितना कवर कर पाए उतना हमने कवर किया है, आपको भी दिखाया है, लेकिन मेरा फिर से एक मन है आने का। मैं बाइक में आऊँगा और मैं इसको फिर से एक बार बढ़िया एक पूरा वीडियो बनाऊँगा, पूरा रोड ट्रिप के साथ। तो तब मैं आपको रिटर्न जर्नी भी मैं दिखाऊँगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाए आज, एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए। तो जो नेक्स्ट टाइम जो भी हमें मौका मिलता है तो उसको करते हैं। और ऐसे ही आप बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिले और आप भी उसे देख सकें। थैंक यू।